बिहार पुलिस कांस्टेबल सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, 100% रिजल्ट होगा रिटर्न एग्जाम में, तो प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है, पौधे में पत्ती क्या कार्य करता है? पौधे में पत्ती प्रश्वसन का कार्य करता है। क्या कार्य करता है? प्रश्वसन का कार्य करता है। तो याद रखेंगे, पौधे में पत्ती प्रश्वसन का कार्य करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, गांधी जी ने दांडी अभियान 12 मार्च 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए किया था। तो गांधी जी ने दांडी अभियान जो शुरू किया था, ये कब किया था? तो 1930 में किया था, 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। और क्यों किया था? तो ये नमक कानून को भंग करने के लिए, है ना। तो याद रखेंगे, महात्मा गांधी जी ने दांडी अभियान 12 मार्च 1930 को नमक कानून को भंग करने के लिए किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, MS सुब्बालक्ष्मी एकमात्र भारतीय संगीतकार हैं जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष गान किया है। क्या किया? गान किया है। MS सुब्बालक्ष्मी एकमात्र क्या है? भारतीय संगीतकार हैं। MS सुब्बालक्ष्मी कौन है? एकमात्र भारतीय संगीतकार हैं जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष गान किया। अगला प्रश्न देखेंगे, जातक क्या है? तो ये जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। जातक क्या है? बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखेंगे, अजंता चित्रण गुप्त काल की है। अजंता चित्रण कहाँ की है? तो ये गुप्त काल की है। अगला प्रश्न है, कुंभ का मेला कितने वर्षों बाद आयोजित होता है? तो कुंभ का मेला 12 वर्षों बाद आयोजित होता है। कितने वर्षों बाद आयोजित होता है? 12 वर्षों बाद आयोजित होता है। तो याद रखेंगे, कुंभ मेला 12 वर्षों बाद आयोजित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो ये 24 कैरेट का होता है, ये आप सभी को पता है। अगला प्रश्न है, नमचा बरवा दक्षिण पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत है। नमचा बरवा क्या है? तो दक्षिण पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत है। हिमालय पर्वतमाला का क्या है? एक पर्वत है, नमचा बरवा। नमचा बरवा दक्षिण पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यारोहण का विस्तृत विवरण कहाँ दिया गया है? तो यह यथर्वेद में है। कहाँ है? यथर्वेद में। राज्यारोहण का विस्तृत विवरण कहाँ है? यथर्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रावेगनिक किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो ये जोहान विसहेल्स रिटर ने देखा था। किसने देखा था? जोहान विसहेल्स रिटर ने देखा था। प्रावेगनिक किरणों को सर्वप्रथम जोहान विसहेल्स रिटर ने देखा था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बताना है कि कौन सा नगर पतन हुआ था? तो ये लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है। अगला प्रश्न देखेंगे, कृष्णदेव राय कहाँ के ये राजा थे? तो ये विजयनगर के राजा थे। याद रखेंगे, कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान की खेतड़ी परियोजना क्यों प्रसिद्ध है? किसके लिए ये प्रसिद्ध है? तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की खेतड़ी परियोजना तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे, कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो UNESCO द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? UNESCO द्वारा दिया जाता है। तो याद रखेंगे, कलिंग पुरस्कार UNESCO द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मेक संख्या का संबंध किससे है? तो ये वायुयान की गति से है। मेक संख्या का संबंध किससे है? वायुयान की गति से है। अगला प्रश्न है, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। कहाँ है? दुशांबे। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। याद रखेंगे, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। तो इसी तरह के प्रश्नों के रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। और इस चैनल पे और भी वीडियोस अपलोड किए गए हैं आपके रिवीजन के लिए, तो उसे भी देखेंगे। और जो हमारा 51वां वीडियो होगा, उसमें हम हाथ से लिख के नोट्स की रिवीजन कराएंगे, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। तो आप अगर उन सभी प्रश्नों की रिवीजन करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।